सब्सक्राइब कीजिए आरसीएमटी को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर पाएं। तो दोस्तों आज यानी 27 तारीख को हुआई का P20 और P20 Pro रिलीज हो गया है, लॉन्च कर दिया गया है लंदन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में और उसके प्राइस के बारे में। मेरा नाम सोनू और आरसीएमटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों दो फोन लॉन्च हुए हैं, हुआई P20 और P20 Pro। तो इन दोनों की स्पेसिफिकेशन को मैं आपको कंपैरिजन करके बताता रहूंगा कि क्या आपको इस फोन में मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फोन के प्रोसेसर की। तो आपको इसमें किरण 970 ओक्टा कोर सीपीयू मिल जाता है 2.3GHz प्रोसेसर के साथ। उसके बाद स्क्रीन की बात करते हैं तो P20 में आपको 5.8 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है, वहीं P20 Pro में आपको 6 इंच की डिस्प्ले OLED डिस्प्ले मिल जाती है। इस फोन में आपको नॉच डिस्प्ले मिल जाती है, यानी एज टू एज आपको स्क्रीन का साइज मिलेगा। साथ ही स्क्रीन के अंदर कोई भी नेविगेशन बटन नहीं दिया गया, ना ही बैक का, ना ही रिसेंट का, ना ही मेन मेनू का। आपको बस एक बटन मिलता है फोन के आगे और उसी से आप फिंगरप्रिंट का यूज कर पाएंगे, उसी से बैक का, उसी से रिसेंट ऐप और उसी का मेन मेनू का बटन वही काम करेगा। एक बटन के साथ आप पूरे फोन को कंट्रोल कर पाएंगे। अब बात करते हैं कैमरा की, जो इस फोन की मेन खासियत है। तो P20 में आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा अपर्चर 2.0 के साथ। रेयर में आपको दो कैमरा मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल का RGB और 20 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम 1.6। साथ ही F20 Pro में आपको फ्रंट में 24 मेगापिक्सल मिल जाता है अपर्चर 2.0 के साथ। रेयर में आपको तीन कैमरा मिलते हैं, 40 मेगापिक्सल का RGB अपर्चर 1.8, 20 मेगापिक्सल का और एक 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा। तो ये तीन कैमरे आपको हुआई P20 Pro में मिल जाते हैं। अब बात करते हैं मेमोरी की। तो P20 में आपको 4GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, वहीं P20 Pro में 6GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। बैटरी की बात करते हैं तो P20 में आपको 3400mAh की बैटरी मिलती है और P20 Pro के अंदर आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है। तो दोस्तों ये दोनों फ़ोन लॉन्च हुए हैं, लेकिन P20 Pro तो iPhone X और Samsung Galaxy S9 और S9 Plus का बहुत ही तगड़ा राइवल होगा, क्योंकि इस फ़ोन के अंदर बहुत ही कमाल के फीचर दिए गए हैं जो ना तो iPhone में आपको मिलते हैं और ना ही आपको S9 Plus में मिलते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं जो इस फ़ोन के अंदर आपको नहीं मिलती, जैसे कि आपको 3.5mm जैक नहीं मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। चार्जिंग के लिए इसमें आपको USB-C टाइप पोर्ट दिया जाएगा और फास्ट चार्जिंग नहीं है, सुपर चार्जिंग आपको इसके अंदर प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों हाल ही में जो फोन लॉन्च हो रहे हैं सबके अंदर आपको AI का जिक्र मिल जाएगा। AI होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि फोन के कैमरा के साथ आती है और बहुत से कमाल के फीचर आपको इस फोन में देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं सभी बताने लगूंगा तो हो सकता है ये वीडियो कम पड़े, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फीचर है इस फोन के अंदर और प्राइस भी इतना ही ज्यादा है। तो दोस्तों हुआई P20 4GB 128GB इंटरनल मेमोरी का प्राइस है 649 यूरो, और अगर मैं इसे इंडिया में कन्वर्ट करता हूं तो 51,000 के आसपास ये फ़ोन आपको पड़ता है। अब बात करते हैं इस फ़ोन के दूसरे मॉडल यानी हुआई P20 Pro की, जो कि 6GB और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। उसी कीमत है 899 यूरो, अगर मैं इसे इंडिया में कन्वर्ट करूँ तो 80 पॉइंट कुछ का यूरो है, तो लगभग 872,000 रुपये इस फ़ोन के देने होंगे। अभी इंडिया में ये लॉन्च नहीं हुआ है, इंटरनेशनली लॉन्च हो चुका है। इंडिया में कब आएगा, क्या प्राइस होगा, बहुत जल्द पता चलने वाला है। दोस्तों फ़ोन बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकेशन गजब की है और फ़ोन की फंक्शनैलिटी है वो तो सातवें आसमान पर, लेकिन जो मुझे पसंद नहीं आया है वो है इस फ़ोन का प्राइस, जो बहुत ज़्यादा है। प्राइस जो है आसमान को नहीं छू रहा है, बिल्कुल आसमान फाड़ के निकल गया है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।